तो गाइज, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपने सोशल बुक मार्किंग का नाम जरूर सुना हो। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ चार एवेसम एंड रियली वाओ सोशल बुक मार्किंग प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के लिए सोशल बुक मार्किंग कर सकते हैं और इन वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक भी ले सकते हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि सोशल बुक मार्किंग क्या है और इसकी SEO में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की है। अब इस वेबसाइट की तरफ हम चलते हैं और इसको अच्छे से समझेंगे कि सोशल बुक मार्किंग क्या है और सोशल बुक मार्किंग की क्या इम्पोर्टेंस है SEO में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, सोशल बुक मार्किंग हेल्प्स यू टू टैग एंड सेव वेबसाइट पेजेस सो दैट यू कैन ईजिली रिविजिट दैम। सोशल बुक मार्किंग आपको अलाउ करती है कि आप किसी भी पर्टिकुलर पेज या URL को सेव कर सकते हैं इंटरनेट पे। ठीक, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन योर ब्राउजर बुक मार्क्स यू कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ द फीचर्स प्रोवाइडेड बाई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू सेव पोस्ट्स। ठीक है, तो जो डिफरेंट सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट होती हैं वो आपको अलाउ करती हैं कि आप अपने कंटेंट को इंटरनेट पे सेव कर सकें। तो दिस वे यू कैन एक्सेस योर बुक मार्क्स फ्रॉम एनी डिवाइस विद एन इंटरनेट कनेक्शन सिंस दे विल बी स्टोर्ड ऑनलाइन। तो ये जो वेबसाइट या जो भी आप पेजेस को बुक मार्क करेंगे तो वो इंटरनेट पे सेव हो जाएंगे और अगर आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन है तो आप उनको फिर से रिविजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी हम इम्पोर्टेंस भी जानेंगे आगे कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है व्हाई यूज सोशल बुक मार्किंग इन SEO। तो सोशल बुक मार्किंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रमोट कंटेंट एंड इंक्रीज ट्रैफिक टू आर वेबसाइट। देखिए, सोशल बुक मार्किंग एक वास्तव में एक अच्छा, एक इफेक्टिव वे है। आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं या कोई भी ब्लॉगर हैं तो आप इसके थ्रू अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं और अपने कंटेंट पे आप ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करा सकते हैं और आप अपने ये जो आपका जो कंटेंट है आप उसको एक अच्छा एक्सपोजर दे सकते हैं। फिर आगे इन्होंने दिया हुआ है, इट हेल्प्स क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ यूजर्स Whose share relevant links and content, which can help increase a website visibility and search engine rankings. तो ये आपकी वेबसाइट को की विजिबिलिटी को बढ़ाने और सर्च इंजन रैंकिंग्स में आपको बेनिफिट दिलाने में काफी मदद करता है। ठीक है, तो ये बात हुई कि सोशल बुक मार्किंग आखिर है क्या और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम उन वेबसाइट की तरफ चलेंगे जहाँ से आप अपनी वेबसाइट के लिए सोशल बुक मार्किंग आप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के। ठीक है, तो जो फर्स्ट वेबसाइट है वो है start.me। ठीक, start.me ये जो वेबसाइट है, मैं अगर इसका होम पेज पे हम विजिट करें तो ये इसी पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब हम इसकी अथॉरिटी चेक कर लेते हैं कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट की पेज अथॉरिटी 52 है एंड डोमेन अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है 72। स्पैम स्कोर 7% का है। एंड अगर सिमिलर वे पे हम इस वेबसाइट के स्टेट्स भी लाइव चेक करें तो 64.8% का बाउंस रेट है एंड अराउंड 140,000 मंथली ट्रैफिक है। एवरेज विजिट ड्यूरेशन 1.22 मिनट्स का है एंड सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद जर्मनी, चाइना, ब्राज़ील एंड कनाडा से ट्रैफिक है एंड डायरेक्ट ट्रैफिक है इनका 81.32% का। रेफरल से जो ट्रैफिक है वो 8.85%, बाकी सोशल सर्च डिस्प्ले एड्स इनका ट्रैफिक है। तो आपको किस तरह से यहाँ पे अपनी वेबसाइट के लिए बुक मार्किंग करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट फॉर फ्री का, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप चाहें तो यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं या फिर अपने माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक अकाउंट के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद गूगल करूंगा और अपने अकाउंट में यहाँ पे लॉग इन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में लॉग इन हो चुका हूँ और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे और सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इनको टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक,
इसके बाद अब आपको बुकमार्किंग किस तरह से करनी है गाइस। तो देखिए, आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे जिस भी पेज या पर्टिकुलर यूआरएल को आपको बुकमार्क करना है, आप उसका लिंक कॉपी करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इस वाले ब्लॉग का मुझे बुकमार्किंग करनी है, तो मैं इसका यूआरएल कॉपी करूँगा, 15 वाटर इज फूड दैट हेल्प यू स्टे हाइड्रेटेड। इसके बाद इस वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ पे प्लस आइकन मिलेगा, इस पे मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद बुकमार्क्स पे जाऊँगा और यहाँ पे अपना जो यूआरएल मैंने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा डन। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे लिंक आ चुका है। अब अगर हम बात करें कि इसका यूआरएल आपको कहाँ पे कैसे विजिबल होगा, किस तरह से आपको ये देखना है, तो यहाँ पे आपको 3 डॉट वाला एक ऑप्शन मिलेगा। आप जितने भी लिंक ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसी तरह के ये ऑप्शन मिलेगा आपको, एडिट का भी ऑप्शन मिलेगा और 3 डॉट का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जैसे मैंने 3 यूआरएल यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, तो मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा शेयर पे। शेयर पे एनीवन विद द लिंक कैन सी द दिस विजिट, इसको ऑन करूँगा और ये लिंक मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं इनकॉग्निटो मोड में भी आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का यहाँ पे दिखेगा आपका ये लिंक। तो मैंने यहाँ पे इनकॉग्निटो में जो ब्राउज, ये जो मेरा टैब है, इसमें मैंने अपना जो लिंक मैंने कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट किया, एंटर किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे लिंक आ चुका है। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये 100% डूफोलो बैकलिंक यहाँ से आपको मिलेगा, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने ये एक एक्सटेंशन एडिट किया हुआ है, अलाउ कॉपी एंड पेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट पे जाके चेक कराऊँ आपको, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा लिंक आ चुका है और ये डूफोलो बैकलिंक है। ठीक, तो ये होती है हमारी फर्स्ट वेबसाइट की बात। और इस वेबसाइट की अथॉरिटी एंड ट्रैफिक वास्तव में बहुत अच्छा है, तो यहाँ से आपको रेफरल ट्रैफिक और सर्च इंजन रैंकिंग में काफ़ी बूस्टअप देखने को मिल सकता है। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है atavi.com, atavi.com। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज अथॉरिटी इस वेबसाइट की 58 है, डोमेन अथॉरिटी 44 है एंड स्पैम स्कोर काफ़ी कम है, 3% का। एंड अगर सिमिलर वे पे हम इस वेबसाइट के स्टेट्स चेक करें तो मिलियंस में ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे, 53% का बाउंस रेट है एंड 1.4 मिलियन का मंथली ट्रैफिक है, जो कि वास्तव में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है मिलियंस में। एंड 5.17 मिनट्स की एवरेज विजिट ड्यूरेशन है। रशिया में जो रैंक है वो बहुत अच्छी है, 6000 के अराउंड इसकी कंट्री रैंक है एंड 237 इसकी कैटेगरी रैंक है। ट्रैफिक इनका रशिया, बेलारस, जापान, तुर्की एंड यूक्रेन से है। डायरेक्ट ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, 93% का ट्रैफिक डायरेक्ट है। सोशल से इनका 3.56% का ट्रैफिक है एंड बाकी सर्च इंजन एंड ईमेल रेफरल एंड डिस्पैच्स है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से अपनी वेबसाइट को बुकमार्क करना है, देखिए आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है अगर आप सोशल बुकमार्किंग भी अगर करेंगे अपनी वेबसाइट की। तो सर्च इंजन में आपके SERP जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस हैं उनमें रैंक करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको साइन अप बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे साइन अप बटन मिलेगा आपको, साइन अप पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे आप गूगल के थ्रू लॉगिन हो जाएंगे। गूगल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एडसेंस ऐड को मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करूँगा और अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाऊँगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि इन्होंने बुकमार्क किया हुआ है, फेसबुक, ईबे, booking.com, AliExpress। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आइकन बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और जिस भी पर्टिकुलर पेज का आपको बुकमार्क करना है उसका यूआरएल आप कॉपी करेंगे यहाँ से और फिर से इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे। यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे यूआरएल, इसके बाद बुकमार्क नेम में आप अपने ब्लॉग का यूआरएल दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना टाइटल कॉपी कर लेता हूँ पोस्ट का, सॉरी ये पोस्ट नहीं था, ये था 9B Bridges Street।
आवर ड्यूरिंग समर। ठीक, इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये टाइटल पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इनिशियल का, तो यहाँ पे हम इनिशियल रहने देते हैं। अगर आप चाहें तो न्यू ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ऐड करूँगा यहाँ पे हमारा बुकमार्क आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो एक बार ये लोड हो जाने देते हैं इस पेज को प्रॉपर। तो यहाँ पे देखिए हम मेरी जो इसका थंबनेल इमेज है ये भी यहाँ पे इसने फैच कर लिए और ये यहाँ पे आ चुके हैं सारे लिंक्स जो भी मैंने एडिट किए थे। तो इस वेबसाइट पे आप इस तरह से अपने लिंक्स ऐड कर सकते हैं। और अगर हम इसको चेक करें इंस्पेक्ट करके, तो यहाँ से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ से आपको बैकलिंक मिल जाता है आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरा लिंक आ रहा है ये नो फॉलो बैक लिंक है। ठीक है, रेल नो फॉलो आ रहा है। तो ये हुई हमारी सेकंड वेबसाइट की बात। अब हम चलेंगे थर्ड वेबसाइट की तरफ और यहाँ से हमें एक डू फॉलो बैक लिंक भी मिल जाएगा प्रोफाइल क्रिएशन के थ्रू। तो हमारी जो ये वेबसाइट है वो है lasso.net, LASSO.net। ठीक, तो हम इसकी पहले अथॉरिटी चेक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज अथॉरिटी 41 है, डोमेन अथॉरिटी 36 है। इस पे हम स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं बुकमार्क करना, लेकिन अब वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप बैकलिंक इस वेबसाइट पे बनाएं या नहीं बनाएं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, इसके बाद हम इस वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करेंगे। तो 59% का बाउंस रेट है, अराउंड 21,000 का मंथली ट्रैफिक है एंड 5.12 मिनट्स की एवरेज विजिट ड्यूरेशन है। 5,92,000 कंट्री रैंक है यूनाइटेड स्टेट्स में एंड 9,755 इसकी कैटेगरी रैंक है। जो ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड से है और 89.49% का डायरेक्ट ट्रैफिक है। बाकी जो ट्रैफिक है वो सर्च इंजन, रेफरल, सोशल, ईमेल से ट्रैफिक है। तो अब हम सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे साइन अप बटन पे हम क्लिक करेंगे और साइन अप विद गूगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट आप सेलेक्ट कर लेंगे। और लॉगिन हो जाएंगे अपने अकाउंट में। ठीक, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम दे देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना लास्ट नेम दूंगा और इसको अपडेट करूँगा। ठीक है, आपको ये हर बार अपडेट करना पड़ेगा। ऐसे इसी तरह से आपको प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना है और इसके बाद अगर आप टैगलाइन, यूज़र नेम, डिस्प्ले नेम ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट का, तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का URL पुट करना है इस वाले सेक्शन में और आप चाहें तो फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और ये सारे ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम अब हमें किस तरह से सारी चीज़ें देखनी है करनी है, अब हम वापस से होम पेज के अंदर जाएंगे। ठीक है, और कलेक्शंस के अंदर जाएंगे। अब कलेक्शंस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिखेगा, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने पेज का URL आप देंगे। जैसे कि मैंने इस वाले URL को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसके अंदर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और एड आइटम पे क्लिक कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे ये आपकी डिटेल्स फैच कर लेगा। तो यहाँ पे मेरा टाइटल है टॉप 10 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज और ये नोट्स में भी यही आ रहा है तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद आप टैग्स दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्ट्रॉबेरी। इसके बाद मैं दूंगा स्ट्रॉबेरी बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक, इनको हम ऐड कर देंगे और इसको यहाँ पे हम ऐड का एक ऑप्शन मिलेगा, ऐड पे हम क्लिक कर देंगे।
अब हमारे यहाँ पे ये लिंक यहाँ पे ये दिखा रहा है टॉप हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज, यहाँ पे ये प्रोसेस हो सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐड भी हो चुका है। अब हमें किस तरह से देखना है, हम इनकॉग्निटो मोड में हम चेक भी करेंगे कि हमारी हमारा जो बैकलिंक हमने दिया था प्रोफाइल क्रिएशन के थ्रू वो आया है या नहीं आया है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे शेयर लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, कोलाबरेटर्स ओनली, पब्लिकली अवेलेबल, पब्लिकली अवेलेबल, कमेंटिंग इनेबल्ड, एनीवन विद द लिंक एंड एनीवन विद लिंक कमेंटिंग इनेबल्ड। तो यहाँ पे मैं पब्लिकली अवेलेबल सेलेक्ट करूँगा, कॉपी लिंक करूँगा, ठीक है कॉपी लिंक करूँगा, या इस वाले लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और ये आपका यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमने जो लिंक दिया था प्रोफाइल क्रिएशन के थ्रू यहाँ पे आ चुका है, और अगर मैं इसको आपको चेक कर रहा हूँ तो ये 100% डू फॉलो बैक लिंक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100% डू फॉलो बैक लिंक है। इसके बाद यहाँ पे आपके अलग अलग ये जितने भी आपने दिए हैं URLs यहाँ पे भी आपको बैक लिंक मिल जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इंस्पेक्ट में जाके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें बैकलिंक इस तरह से अपनी वेबसाइट के लिए मिल जाते हैं इन वेबसाइट से। तो ये होती है हमारी थर्ड वेबसाइट की बात। अब चलते हैं हम चौथी बुकमार्किंग, जो सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट है उसकी तरफ। तो शायद आपने इसका नेम पहले सुना होगा, लेकिन ये भी वास्तव में काफ़ी एवेसम वेबसाइट है और इसकी अथॉरिटी एंड ट्रैफिक वास्तव में बहुत ज़्यादा खास है। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट की अथॉरिटी देख लेते हैं। ये वेबसाइट है pearltrees.com एंड इस वेबसाइट की जो अथॉरिटी है पेज अथॉरिटी 72 है, डोमेन अथॉरिटी 85 है, स्पैम स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है इसका भी 33% है। लेकिन अगर हम इसके स्टेट्स देखें वेबसाइट के, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टेट्स हैं, 28.94% का बाउंस रेट है, 1.7 मिलियन का मंथली ट्रैफिक है, 7.35 मिनट्स की एवरेज विजिट ड्यूरेशन है इस वेबसाइट पे। एंड देखिए आप देख सकते हैं कंट्री रैंक कितनी अच्छी है, 798 इसकी कंट्री रैंक है फ्रांस में, एंड 19 इसकी कैटेगरी रैंक है। ट्रैफिक टॉप 5 कंट्रीज से जहाँ से इस वेबसाइट पर ट्रैफिक है वो है फ्रांस, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड पाकिस्तान। डायरेक्ट ट्रैफिक 81.64% का है, बाकी सर्च इंजन, रेफरल, सोशल, ईमेल एंड डिस्प्ले एड्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे बुकमार्किंग करने के लिए आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम देंगे, ईमेल आईडी, पासवर्ड, इसके बाद ज्वाइन पे क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट वेरीफाई करा लेंगे और इसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। ठीक, तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लस आइकन मिलेगा, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद वेब पेज आप सेलेक्ट करेंगे, अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट का यूआरएल आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इस वाले बॉक्स में आप इसको पेस्ट कर देंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका ये लिंक ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे कुछ इस तरह का ये हमारा लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, तो इसको भी हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या पोजीशन है हमारे बैकलिंक वगैरह की। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अनक्लियर है, यहाँ पे मेरा ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमारा बैकलिंक किस तरह का है। ठीक है, थंबनेल का ये उठा रहा है हमारा, और अगर मैं इस पर क्लिक करूं पर्टिकुलर जो हमने पोस्ट की है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह की आपको दिखेगी। ठीक है, इस तरह की कुछ आपको ये यहाँ पे दिखेगी। तो ये चार सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट थी जो कि वास्तव में बहुत अच्छी सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि सोशल बुकमार्किंग है क्या और इसकी SEO में क्या इम्पोर्टेंस है, और इन चार वेबसाइट्स पे भी आप अपनी सोशल बुकमार्किंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो न्यू वीडियोज़ मैं बनाऊँ वो टाइमली आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल डिवाइस या डेस्कटॉप डिवाइस में मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस।